आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल व्लॉग्स विद सुल्तान। तो मैं आज आ गया हूँ नीता अंबानी, नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर, जो कि अभी रिसेंटली खुला है। और ये BKC यानी बांदा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो सेंटर है, जो जियो के पूरा अंबानी जी का है, तो उसी में खुलवाया गया है। नीता अंबानी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो उन्होंने 6 साल की उम्र में सपना देखा था। ये काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी अच्छा, ये काफ़ी खूबसूरत है। उसके अलावा यहाँ पर आप गेट नंबर 5 से आ सकते हैं, नीचे पार्किंग है, पार्क करके यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर और सबसे बड़ी बात है, इसको भारतीय एशिया का ये सबसे बड़ा है, इसको भारतीय कला और जितने भी भारतीय कला को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए, भारतीय जो कल्चर है, हमारी संस्कृति, उसको दिखाने के लिए बनाया गया है। तो मैं आपको बताता चलूँ, 31 तारीख को यहाँ की ओपनिंग हुई है, और यहाँ पर पूरे दुनिया भर के लोग आए थे, जो जो बड़ी हस्तियाँ हैं, बॉलीवुड की हस्तियाँ, हॉलीवुड की हस्तियाँ, उसके अलावा हर क्षेत्र से लोग आए थे। शाहरुख खान आए थे, सलमान खान आए थे, और अमिताभ बच्चन जी की पूरी फैमिली आई थी। उसके अलावा सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह समेत स्पाइडरमैन भी उड़ के यहाँ पर आ गए थे अपने जालों को पकड़ते हुए। उसके अलावा गीगी हदीद समेत कई लोग यहाँ पर शामिल हुए थे, जितने भी स्पिरिचुअल गुरु हैं, सदगुरु हो गए और गोपाल दास जी हो गए, वो लोग भी यहाँ पर सम्मिलित हुए थे। उसके अलावा आनंद महिंद्रा जी भी यहाँ पर आए थे। तो चलिए अंदर की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, ये 5 हिस्सों में बटा हुआ है। अंदर की एंट्री बिल्कुल फ्री है, लेकिन यहाँ पर जो शो हैं उनका टिकट 150 से लेकर 500 रुपये तक हैं। तो आप ऑनलाइन इनकी वेबसाइट से या बुक माई शो से बुक करके ही आइए, क्योंकि स्लॉट काफ़ी फुल चल रहा है आजकल। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं NMACC के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव बनाया गया है, और छोटी वाली कार भी यहाँ है, अगर जो लोग चल नहीं पाते उनको यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए ये भी लगाई गई है। उसके अलावा वाव, क्या पिंकिश लुक है सामने की तरफ, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, आँखों को काफ़ी सुकून मिल रहा है, इतनी काम तरीके की लाइटिंग यहाँ पर की गई है। उसके अलावा यहाँ पर इंडियन फैशन शो चल रहा है, यहीं से टिकट बुक होता है जिस भी इवेंट का आपको लेना है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि टिकट आप ऑनलाइन बुक करके आइए। यहाँ पर टिकट अभी मिलेंगे नहीं करीब 1-2 महीने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ भीड़ चल रही है। तो यहाँ पर आते ही सबसे पहले आपको, तो यहाँ का जो लुक है, देखिए काफ़ी पिंकिश लुक है पीछे की तरफ का, जो हमारे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पिंकिश लुक में डिज़ाइन किया गया। यहाँ का पिंकिश लुक काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पीछे सेवरीज है, जहाँ पर आप चाय, काफ़ी, समोसा, ये सब ले सकते हैं। उसके अलावा बैठने की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है हमारे पीछे की तरफ है। तो यहाँ पर जैसे अंदर आएँगे, तो आप बुक माई शो से या इनकी वेबसाइट से, मुकेश नीता अंबानी की वेबसाइट से आप टिकट बुक कर सकते हैं। हमारे पीछे देखिए इंडियन फैशन शो चल रहा है, इसका भी टिकट बुक सकते हैं, या संगम का टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आया तो हाउसफुल था। उसके अलावा रिचर्ड ग्लुकमैन, जो कि यहाँ के इंटीरियर को संवारे हैं, यहाँ के आर्किटेक्ट हैं, देखिए कितने अच्छे से यहाँ के इंटीरियर को संवारा गया है, देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। चीज़ें इतनी व्यवस्थित तरीके से यहाँ रखी गई हैं कि देखकर खुद अच्छी लग रही है। उसके अलावा स्क्रीन में ये चल रहा है गुलाब लेकर, और ये देखिए काफ़ी बड़ा गुलाब मिल गया है, जहाँ तक हम लोग भी नहीं पहुँच सकते हैं। कितना गजब का आर्किटेक्चर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। डिज़ाइनिंग आप तो साथियों, यहाँ का अंदर का जो डिज़ाइन है आप पीछे की तरफ ये देख सकते हैं कितना है। उसके अलावा यहाँ के जो काम करने हैं काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। तो ये कल्चरल सेंटर जिसके लिए खोला गया है, वो देखिए यहाँ पर हमें दिख भी रहा है, यहाँ सैंड आर्ट के क्राफ्टिंग लगी हुई है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। तो उसके अलावा इस बिल्डिंग के अंदर लाइटिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस है, और भाई साहब सो रहे थे जो कि चित्रकार हैं, लेकिन हमें देखकर जग गए हैं। ऐसे बनारस के घाटों पर लोग बनाते रहते हैं, और गंगा किनारे होता है, भाई साहब गंगा से डायरेक्ट रिलायंस की बिल्डिंग में आ गए हैं, काफ़ी अच्छा बना रहे हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं वे वेल प्रोफेशनल हैं, काफ़ी अच्छे से अपने काम में महारत हासिल लगते हैं, मैंने देखा सबकी। ये देखिए यहाँ पर पेपर में लिखा भी हुआ है। उसके अलावा सबसे अट्रैक्टिव चीज़ मुझे यहाँ पर लगी, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए देखें हाथ से बुनाई हो रही है, जो कि इंडियन कल्चर को दर्शाता है, हमारे भारत की भारतीयता को दर्शाता है। और यहाँ पर मैंने देखा कई सारे कालीन्स लगे हुए थे, वो वाले कालीन नहीं थे मिर्ज़ापुर वाले कालीन भैया वाले, ये दूसरे वाले कालीन्स थे, लेकिन देखने में इतने शानदार, इतने लाजवाब लग रहे थे कि सारे उठाकर मैं घर लेकर जाऊँ। उसके अलावा यहाँ पर ये चचा जो हैं, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये चचा हाथों से बुनाई कर रहे हैं, ये भी काफ़ी महारत हासिल लगते हैं। तो काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी डेकोरेटिव तरीके की चीज़ें रखी गई, और चलिए चरखे वाले चचा के पास चलते हैं।
क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम मोहम्मद हारून है। कहाँ से रहे? मैं श्री बनारस सिटी से रहे। अच्छा, रहने वाले अपने उत्तर प्रदेश के हैं। जी जी दादा, ये उत्तर प्रदेश के मिल गए हैं। देखिए चरखा चढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो दादा, ये जो खुला है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये आप लोगों को बढ़ावा दे रहा है? रिलायंस कंपनी आप लोगों को बढ़ावा दे रही है। दादा हम फैजाबाद अयोध्या के हैं। तो वही बता रहे सभी। और बनारसी साड़ियों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर मशीन भी लगाई गई है जो हाथों से बुनाई होती है। चचा चरखा चला रहे थे, उसके अलावा मशीन लगी, इसी से ये साड़ियाँ बनाते हैं। यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बनारसी साड़ियाँ मैंने देखी है। देखिए सामने की तरफ लगी भी हुई है। हो भी क्यों ना, क्योंकि बनारस काफ़ी प्रसिद्ध है। बनारसी साड़ियाँ पूरे दुनिया में पहनी जाती हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर बनारसी वेव्स लगी हुई हैं। यहाँ पर अंग्रेज भी आकर इसे खरीद कर ले जा रहे हैं। तो अभी मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर दादा जो थे वो चरखा चला रहे हैं। वो बनारस का है, वो गांधी जी वाला चरखा है। इसके अलावा हमारे उत्तर प्रदेश की बनारस की साड़ियाँ पूरे दुनिया भर में फेमस हैं। उसी के तरह से यहाँ पर भी ये लगी हुई है। ये हमारे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश वाला। दादा ये क्या बना रहे हैं? ये साड़ी बना रहे हैं, ये बनारस काशी की साड़ी है। बनारस की? बनारस काशी, काशी बनारस, अपना बनारस। हाँ, जय हिंद जय उत्तर प्रदेश। तो दादा ये साड़ियाँ ऐसे ही बनती हैं? जी जी जी, ये साड़ियाँ ऐसे ही बनती है, ये बनारस। ये देखिए दादा साड़ी बना रहे हैं, बनारसी साड़ी। यहीं को बुन के दादा डायरेक्ट आपको दिखा रहे हैं लाइव। दादा समवाइज कैंडल्स। तो दोस्तों ये चीज़ भी काफ़ी अट्रैक्टिव मुझे लगी। यहाँ पर हाथों से मोमबत्तियाँ बनाई जाती हैं। देखिए मोम यहाँ पर रखा हुआ है, भाई साहब हाथों से मोम बना रहे हैं। ये भी अपने भारत में काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो ये जो सेंटर है ये इंडिया में गरीब तबका जो है उसको भी बढ़ावा देने का काम करेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि यहाँ जो घर से बनी हैंडमेड चीज़ें हैं उसको बढ़ावा दिया है, उसको डिस्प्ले किया गया है। तो एक तरह से जो हमारे बुनकर भाई हैं या घरेलू उद्योग वाले हैं उनको बढ़ावा ज़रूर मिलेगा। और ये देखिए पिछवई पेंटिंग्स मैंने देखी, इतनी गजब गजब की पेंटिंग्स लगी थी कि पूछिए मत। हाँ, ये एकदम A1 लेवल पे लेकर जाएगा आर्ट वालों के लिए। तो बिल्कुल अलग ही तरीके की यहाँ पर व्यवस्था है। मतलब जो आर्टिस्ट हैं या जो कला को पसंद करते हैं उनके लिए जीवन में दुनिया बदल देगा ये कला सेंटर। तो ये दिखा रहा हूँ मैं काफ़ी, आप पूरा वीडियो देखते रहिए, काफ़ी बढ़िया। तो अब मैं चल रहा हूँ, यहाँ पर संगम का टिकट मैंने बुक किया है जो 199 का पड़ा है, और कोई टिकट खाली नहीं। आप लोग ऑनलाइन बुकिंग करा के यही आइए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ की ये है सबसे खास बात, मैं यहाँ की बताना चाहता हूँ, ये बुजुर्गों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और छोटे बच्चों के लिए फ्री है। अलावा यहाँ पर ये 5 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले द ग्रैंड थिएटर है जहाँ पर 2000 लोग बैठ सकते हैं, जहाँ उस दिन शाहरुख खान झूमे जो पठान मेरी जान पे डांस किए थे, स्पाइडर मैन आया था, वरुण धवन ने गीगा हदीद को उठा लिया था। उसके अलावा यहाँ दूसरा है स्टूडियो थिएटर, जहाँ पर 250 लोग बैठ सकते हैं, वो भी काफ़ी बेहतरीन तरीके का बनाया गया है। थर्ड बनाता है जो कि मिनी थिएटर है, जहाँ पर ग्रुप प्ले डांस कर सकते हैं आप, कई सारी चीज़ें थिएटर में कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर तीसरी चीज़ है क्यूब शेप में आ जाता है, जो कि 125 लोग बैठ सकते हैं, जो कि जहाँ पर स्टेज नहीं होगा लेकिन क्यूबिक तरीके की चीज़ें होंगी। तो वर्कशॉप और सेमिनार के लिए यूज़ किया जाएगा। कड़कड़ का टेंट है जो कि है आर्ट हाउस, जो कि नीता अंबानी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उनके लिए ही बनाया, जो कि 16,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। और तीसरी चीज़ है यहाँ की मैजिकल फाउंटेन जो कि शाम में चलता है। तो यहाँ कई सारी चीज़ें हैं जो अंदर की तरफ मैं चल के देखूंगा और भी आपको बताता हूँ अंदर चलकर। तो अभी संगम की तरफ मैं चल रहा हूँ अंदर। तो साथियों आर्ट हाउस के अंदर मैं आ चुका हूँ। यहाँ संगम नाम की प्रदर्शनी लगी हुई है। यहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड कम थी, लेकिन मैं आपको वीडियो दिखा दे रहा हूँ। देखिए कितनी गजब गजब की यहाँ पेंटिंग्स लगी हुई हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। साथियों आर्ट हाउस पर घुसते ही सबसे पहले यहाँ पर आर्ट्स हैं, यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन आप मुझे जानते हैं जो काम अलाउड नहीं रहता मैं वही काम करता हूँ जिस काम की। तो आर्ट हाउस के सेकंड फ्लोर पे हलते ही मुझे अंदर की तरफ दिख गया है। ये उसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन दीवारों पे जो पेंटिंग लगी है ये काफ़ी गजब की लगी। और ये चीज़ जो थी वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और यहाँ से बाहर का लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। फाउंटेन ऑफ जॉय रात में चलता है तो क्या नज़ारा रहता है। और नेचर से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार है, तो यहाँ पर 2 हिरन 9 हिरन के बच्चे मिल गए थे। तो यहाँ तीसरे फ्लोर पे, सबसे ऊपर तीसरे फ्लोर पे जो मैं बता रहा था आपको, तीसरे फ्लोर पे यहाँ पे एक शांति भाई करके आर्टिस्ट है, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी का पेड़ों से काट कर आदमी थोड़ा सा चित्र बनाया है आदमियों का, काफी अच्छा ये था।
फैला हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड है लेकिन विदाउट सेल्फी के साथ, वीडियोग्राफी बिल्कुल नहीं अलाउड है। तो ये वाली है, यहाँ की लिफ्ट काफ़ी अच्छी है, लिफ्ट क्या पूरे घर के जैसा माहौल है, लग रहा है हम घर में आ गए हैं, छोटे से कमरे में लिफ्ट इतनी बड़ी है यहाँ की। तो साथियों मैं पहुंच चुका हूं रंगमंच की तरफ, थोड़ा तड़कता भड़कता कुछ हो जाए तो द ग्रैंड थिएटर के बाहर, यहां का सबसे अट्रैक्टिव कैंड मुझे लगा। हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस यह थिएटर आपको एक अलग तरह की ही फील देगा, लेकिन ये हाउसफुल चल रहा है, इसके सॉस काफ़ी अच्छे होते हैं। देखिए दरवाज़ा है, लगातार हाउसफुल चल रहा है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए हमें बापू मिल गए हैं, गांधी जी, ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे। यहाँ पर गांधी जी मिले, इनके बिना भारत अधूरा है। तो उसके अलावा यहाँ पर गोल्डन द्वार भी है, या थर्ड फ्लोर तक ग्रैंड व्यूज है। यहाँ पर 2000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, जो कि रेड कारपेट की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ द क्यूब आपको। तो साथियों यहाँ पर देखिए हमारे पीछे द क्यूब है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर सेमिनार, यहाँ पर 125 सीटें लगाई गई, यहाँ स्टेज नहीं है, आप बैठकर आप सेमिनार कर सकते हैं। स्टेज नहीं है, सेमिनार क्यूबिक शेप में चेयर, यहाँ पर क्यूबिक शेप में चेयर लगी होती हैं, आप चेयर पे बैठ सकते हैं, काफ़ी बढ़िया तरीके का है। यहाँ पर सेमिनार होती है, छोटे मोटे इवेंट हो सकते हैं। उसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाता चलूँ जो मुझे दिख गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है लार्जेस्ट पैसेंजर एलिवेटर इन द वर्ल्ड, यानी सबसे बड़ी लिफ्ट पूरे दुनिया में यहीं है। मैं अंदर जा तो नहीं पाया, लेकिन देख रहे हैं तो उन आर्टिस्टों के पास पहुंचा दीजिए जो लोग आर्ट को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, आर्ट को लाइक करते हैं।